नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ रेनु माथुर। कंगना रनौत ने कास्टिंग काउच पर किया है बहुत बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत ने बॉलीवुड में होने वाले कास्टिंग काउच पर बहुत बड़ा बयान दिया है और बताई है अंदर की सच्चाई। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन का संसद में दिया हुआ भाषण सुर्खियों में बना हुआ है। जया के बयान के बाद कंगना ने भी उन पर निशाना साधा। कंगना ने जया की जिस थाली में खाते हैं उसमें ही छेद करते हैं वाली बात को पकड़ लिया और इसे लेकर ही उन्होंने इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। कंगना ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि इंडस्ट्री में लड़कियों को हीरो के साथ सोने पर काम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रवि किशन ने फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया था और इस दिशा में कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। सदन के दूसरे दिन जया बच्चन ने रवि किशन की इस बात का जवाब दिया, जिसके बाद से ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस विवाद के बीच में एक्ट्रेस कंगना रनौत भी कूद पड़ी। सदन में जया ने जो जो बातें कही वही कंगना ने सोशल मीडिया पर उसका एक एक करके जवाब दिया। इसकी वजह है, जया ने बिना नाम लिए कंगना और रवि किशन दोनों पर ही निशाना साधा था। जया बच्चन ने इस दौरान कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहे हैं। जिन लोगों ने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है अब वो इसे गटर कह रहे हैं। मैं पूरी तरह से असहमत हूँ। जिस थाली में खाते हैं उसमें ही छेद करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार ऐसे लोगों को इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करने को कहेगी। कंगना ने इसके बाद लगातार एक के बाद एक जया बच्चन पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया। कंगना रनौत ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर बड़ा खुलासा भी किया है। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनौत ने बॉलीवुड कास्टिंग काउच पर कर दिया है बड़ा खुलासा और बताया है कि किस तरीके से काम मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में। कंगना के लगातार हमले के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग जया के समर्थन में उतर आए। इन लोगों ने हेमा मालिनी का नाम भी शामिल है। जी हां दोस्तों, जया बच्चन के बयान के बाद बॉलीवुड भी दो खेमों में बटा नजर आया। एक तरफ जया बच्चन को सपोर्ट करने वाले लोग थे तो दूसरी तरफ कंगना रनौत को सपोर्ट करने वाले लोग। अब जिस तरीके से कंगना ने अपना बयान दिया है बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर, अब देखना होगा कि बॉलीवुड के बाकी लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं कंगना के इस बयान पर। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्म बीट।